Barbarian, Baba Barbarian. Dave the Barbarian, Bada Burger Po. Uski pehne fang aur candy, ek princess hai ek chimp. राजा रानी नाम देश का उद्रगोत शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब हाँ बास टैंगोर कैंडी बिल्कुल नकारा है पर हम भी क्या करें नहीं और कोई चारा है बार्बेरियन पापा बार्बेरियन बार्बेरियन पापा बार्बेरियन हमारी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब कैंप फायर के चारों तरफ बहुत से डरावने किस्से सुनाए जाते थे और तब उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने है उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक आवाज है तुम्हें कुचलना होगा फिर उसका एक भयानक पैर उठा और फिर सब खत्म जमा पार्टीज बढ़िया होती है ना आखिर जिंदगी की जरूरी बातें करने का मौका तो मिलता है जैसे कि बैक स्ट्रीट मिनिस्ट्रल में सबसे ज्यादा क्यूट कौन है जेटी या टीजे जे जेटी टीजे जेटी मैं इसे अब खत्म कर दूंगी ये मारा 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 ये या 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 या। मारा मार डाला तुमने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी अगली सुबह राजकुमारी कैंडी ने परिवार को इकट्ठा किया आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है पता है मम्मी पापा की चिट्ठी पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों बुराई से हमारी लड़ाई जारी है लेकिन हम जल्दी आएंगे मम्मी का कहना है कि राक्षस बंदर हमला कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ओ वो आ गए आई आग आओ 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 यार आओ यही 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 आओ प्यार तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मैंने इसलिए बुलाया है कि फैंग के बुरे बर्ताव से मेरी पजामा पार्टी बर्बाद हो गई है वैसे फैंग मुझे प्यारी तो है लेकिन क्या आप सबको नहीं लगता कि हम उसे थोड़ा सा लड़कियों वाला बर्ताव सिखा दे पता नहीं उसे बदलने का आइडिया अच्छा है या नहीं है बढ़िया आइडिया है वो हमेशा मुझे बदलने की कोशिश करती रहती है और इससे अच्छा क्या होगा कि पूरा परिवार एकजुट होकर कोशिश करे और फैंग को उसका बर्ताव बदलने के लिए मजबूर करे बच्चे की बात में दम है हम फैंग को अच्छे तौर तरीके सिखा सकते हैं इससे बड़ी होती लड़कियों के लिए बेहतरीन तौर तरीकों वाली किताब पहला सबक खाने का तरीका दूसरा सबक डांसिंग तीसरा सबक म्यूजिक अब गया अरे निशाना तो काफी बढ़िया था मिट्टी में लोटपोट होकर केचुए खाने कौन चलेगा हा? मैं भी क्या सोच रही थी फैंग को सुधारना नामुमकिन है हाँ क्योंकि हमारे प्लान में एक जरूरी चीज नहीं है रिश्वत फैंग का बर्ताव अच्छा होगा तो उसे मिलेगी फिजबेरीज फिजबेरीज एक ऐसी चीज जो फैंग को इतनी पसंद है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है मुझे चाहिए फिजबेरीज रिश्वत को प्लान में जोड़ने के बाद फैंग को सभ्य करने का काम आसान और मजेदार हो गया ओ बस थैंक यू एक लड़की को ध्यान रखना चाहिए कि उसे स्वीट डिश भी खानी है हाँ फिश बेरीज जल्दी ही जंगली बर्ताव करने वाली बहन बन जाती है प्यारी फैंग उद्रगोत की कसम वो बदल गई बाद में हमारे हीरोज को पता चलता है कि फिजबेरीज के जादू ने उसे कुछ ज्यादा ही बदल दिया हमें तुम पर नाज है फैंग थैंक यू सोचो तो मैं भी कभी तुम लोगों जैसी थी
लेकिन घबराओ मत, अगर तुम सब मुझे बदल सकते हो तो मैं पूरे उद्रागोत को बदल सकती हूँ। और खेल शुरू हो जाता है, प्यारी फैंग उद्रागोत को सभ्य बनाने में जुट जाती है। अच्छी, वो सब जानवर तो बिना कपड़ों के हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। यकीन नहीं आ रहा, ये मछलियाँ कपड़े पहन लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। मैं सिंगर हूँ। ओके, फैंग के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा, वो बेकाबू हो गई है। लेकिन फैब्रिक सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग और हेलो मेरे असभ्य भाई बहनों, बस देखते जाओ कि मेरी खाई को क्या बना दिया है। हमारे पास तो खाई है ही नहीं। है, दरअसल इस नाली के कीड़े मकोड़े खाना खाएंगे। क्या? कीड़े मेरे बालों में। इन्हें खाना खिला रही हो, तुम्हें इनसे नफरत है? तो पुरानी फैंग थी। सभ्य लड़कियों के लिए हर जिंदा चीज अनमोल होती है। ये देखो कीड़े, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस बनाई है। कपड़ा अच्छा है, शिफॉन है क्या? लेकिन खाने से भरपूर खाई की तरफ कीड़े आकर्षित क्यों नहीं होंगे? मेरी पैंट्स में आ गए। एक भयानक खतरा है जो उद्रागोत को तबाह करेगा, ब्यूगल बीटल्स का डरावना झुंड। ये खतरनाक कीड़े भयंकर हमला करने के लिए मशहूर हैं। तुम चीजों को कुचल दोगे है ना? हम चीजों को अच्छी तरह से कुचल देंगे। और ये हमले के साथ साथ अपनी नासमझी के लिए मशहूर है। हुई ना पूरी तरह सभ्य। फैंग, तुम्हें पता है ना कि मैं लड़की नहीं हूँ। राजकुमारी कैंडी, क्या अभी तक आपको किताबें सर पर रख के सीधा चलना नहीं आया है? क्या मैं छोटी सी किताब रख लूं? डियर अंकल ऑस्विच, पेंटिंग करना ज्यादा सभ्य शौक नहीं है क्या? है, अगर पेंट की खुशबू से उल्टी ना आती हो तो ही। अच्छा, और ये क्या है? ये खतरनाक बंगल बीटल्स का झुंड है जो उद्रागोत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। खतरनाक बंगल बीटल्स, हमें उन्हें रोकना होगा। मैं बग स्प्रे ले आता हूँ, शायद चीन में मिलती है। हम सब उन कीड़ों से एक साथ लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ूंगी, लड़कियाँ लड़ाई नहीं करती हैं। मैं यहीं रुकूंगी और बेचारे बीटल्स के लिए कपड़े बनाऊंगी। शायद मुझे और धागा चाहिए। देव, बीटल फैंग को कुचलने वाला है। मेरी बहन से दूर रहो गंदे कीड़े। चूला, मैं बाहर नहीं आऊंगी। सभ्य लड़की का कहना है कि मुझे सुंदर दिखना चाहिए। ये क्या, ये गुलाब है? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे गुलाब से एलर्जी है। ओफो। वैसे मैं डरावनी तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बता दूँ कि मैं बारबेरियन राजकुमारी हूँ। तो क्या हुआ? ये हुआ, राजकुमारी से मत उलझना। अब तुम नहीं बचोगे। डम 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 डम, दांत हो। मैं आ गया। खुद पर काबू रखो, मुझे मालिक के हस्ताक्षर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ है खात्मा, पीछे देखो, देखो खात्मा पीछे, दांत। और इस तरह बीटल्स का अत्याचार चलता रहा दिन ब दिन, साल दर साल। अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। कहानी को दिलचस्प क्यों बनाता हूँ? खैर जाने दीजिए, लगता है हमारे हीरोज जल्दी ही तबाह होने वाले हैं। पता है हमें कौन बचा सकता है? फैंग। कीड़ों को कुचलने वाला उससे अच्छा पिछले 20,000 साल में नहीं हुआ। जब तक उसे बदला नहीं था तब तक वो अच्छी थी। सब मेरी गलती है, हम तबाह हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम सोच रहे थे आपको तबाह करने का ये अच्छा वक्त है ना? ओह हाँ, हमें चिल्लाना शुरू करने के लिए 1 सेकंड का वक्त दीजिए। 1, 2, 3। पूरी हो गई। आदमखोर बड़े बीटल अपने नए कपड़े देकर कितने खुश होंगे। ये क्या, भयानक कीड़े मेरे परिवार को सता रहे हैं। मेरा परिवार खतरे में है, लेकिन मैं लड़ नहीं सकती, कीड़ों को कुचल नहीं सकती। कीड़ों को कुचलना होगा, कीड़ों को नहीं कुचलना है। है, नहीं है, है, नहीं है, है, नहीं है, है, नहीं है। हे, तुम बर्गर खाना चाहोगी? मुझे लगा तुम पूछोगी नहीं। मुझे लगता है मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ। मैं सबको कुचल दूंगी। हमारा दुश्मन। क्या मुझे ही हमारा दुश्मन बदले हुए रूप में छोटा लगा? शायद हम उससे बड़े हैं।
हम तुम्हें तबाह करने आ रहे हैं दुश्मन। चलो आओ, मैं तैयार हूँ। अब हम चपटे हो गए। तुम पहले जैसी हो गई फैंग। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश की। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ, महान योद्धा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, कैंडी खुश है कि फैंग फिर से पहले जैसी हो गई। और फिर टीजे, जेटी, टीजे, जेटी, कैंडी मेरा निशाना देखो। फैंग, इस बार तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें उल्टा गिरा दूंगी। समझ जाओ, भागती रहो, मैं तुम्हें पकड़ कर ही दब लूंगी। ऊर्ध्वगौत में ये फैसले का वक्त है, एक ऐसा वक्त जब महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त चिसेट को मारूं क्योंकि उसने तुम्हें फिश क्लॉक दी है मेरी बर्थडे पर। जरा सोचो, उसे पता था मुझे एक क्यूट टॉप चाहिए जो मेरी सब क्यूट ड्रेसेस के साथ चल जाए और मैं क्यूट लगूं। hey, तुम उसे एक बहुत बढ़िया तोहफा क्यों नहीं देती जिससे वो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाए। ये ठीक है, तो मैं शॉपिंग भी करूंगी और उसे अच्छे से सजा भी दिलाऊंगी। वाह, ऊर्ध्वगौत का ऑटोमेटिक मॉडल, क्या तुमने बनाया? हाँ, लेकिन टूट गया। इसे उड़ना चाहिए था, इस पे से रंगीन किरणें निकलनी थी और गाना भी बजना चाहिए था। मैं हूँ यांकी डूडल बारबेरियन। जोड़ नहीं सकते? मुझे एक स्पेशल गियर खरीदना पड़ेगा। तुम चलोगी मेरे साथ? बाद में हम अंकल ऑस्विज के साथ फज लाएंगे। ना, मुझे तो राजकुमारी वाला पेपर वर्क खत्म करना है। बहुत बेकार काम है। फिर डेव, फैंग और ऑस्विज ऑटोमेटिक मॉडल के लिए गियर ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो गियर जो सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है, जो है शानदार खरीदारी की जगमगाती पहाड़ी। मुझे लगता है वो पहाड़ियाँ हमें कभी नहीं मिलेंगी। चलो उस गरीब बाबा से पूछते हैं। माफ कीजिए बाबा, आपको खरीदारी करने की शानदार काल्पनिक पहाड़ी का रास्ता पता है? हाँ पता है, पार करो संकट की घाटी, जहाँ एक ताकतवर जीव तुम्हें खत्म करने के इंतजार में बैठा है। वहाँ से तुम चित्कारों के पहाड़ पर चढ़ना, वहाँ से अपनी कहानी सुनाने कोई आदमी बच के नहीं आया। या फिर तुम शटल भी ले सकते हो। थैंक्स। कितना प्यारा शांत गांव है। सफर ऐसे ही करना चाहिए, लोगों को पहचानने का मौका मिलना चाहिए। हेलो दोस्तों। ये तो कल रात वाला आदमी है। मॉन्स्टर, पकड़ो उसे। वो लोग देव को क्यों मार रहे हैं? उसने उन्हें अपनी कविता सुनाई होगी। चलो चलो चलो। मैंने कहा था मोटे तकियों की कविता कोई सुनना नहीं चाहता। तुमने मुझे निकाला ही नहीं। ओह, कितनी शर्म आ रही है। दूसरी तलवारें क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगी। उन लोगों ने देव को क्यों मारा अंकल ऑस्विज? पता नहीं, लेकिन कल रात ऐसा कुछ कह रहे थे। चलो देखते हैं क्या हुआ। ये देव है और वो गांव वालों को मार रहा है। नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। मेरा क्रिस्टल बॉल कभी गलत नहीं कहता। देव ने उन्हें मारा है, या शायद वो इसके अंदर का बुरा भूत हो। इसे काटते हैं और देख लेते हैं। या हो सकता है देव सन की हो गया हो। अगर ऐसा है तो हमें उसे काल कोठरी में तब तक रखना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये आइडिया मुझे पसंद नहीं आया। यहाँ हमारे हीरोज इस रहस्यमय पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ राजकुमारी कैंडी चीज़ेट के लिए बढ़िया तोहफा ढूंढती है। शहर की एक एक दुकान छान ली, आपके पास जरूर कुछ मिलेगा। ओह, मेरे पास बढ़िया तोहफा है, ये पैरों को चिकना बनाने के लिए, देखो। अच्छा लगा, कोमल मुलायम त्वचा, ये यहाँ भी काम करता है। कैंडी को खरीदारी की चमकदार पहाड़ी पर खुद जाना होगा और उसके लिए उसे चाहिए ट्विंकल द मार्वल हॉर्स। ट्विंकल, मेरे उड़ने वाले घोड़े, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दिनों से यहाँ नहीं आई। मैं यहाँ कितना अकेला था, अंधेरे में, अकेलेपन में, कितने भयानक ख्याल आते हैं। मैंने कहा ना, माफ कर दो, मैं काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आई। मैं इम्पोर्टेंट तो हूँ ही, कोई मेरी परवाह नहीं करता। वो ट्विंकल द मार्वल हॉर्स को छोटा और बेकार समझते हैं। ठीक है, वो नतीजा भी भुगतेंगे। अच्छा, अब हम चले? हाँ ठीक है।
मैंने फिर से वो सपना देखा, वही जिसमें मैं मुड़े हुए हथौड़े से पेंगुइन्स को मार रहा हूँ। दरअसल तुम बोर हो जाते हो, घूमने के लिए निकलना चाहिए। कैंडी आसमानी रास्ते से खरीदारी की शानदार पहाड़ी की ओर जाती है। वही डे फैंग और ऑस्विच भी उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन पार करने वाले हर गाँव में डेव को मॉन्स्टर ठहराया गया और पूरी तरह पीटा गया। फैंग, अंकल ऑस्विच, मुझे जाना होगा। मुझे अपने मॉडल के लिए खुद ही गियर ढूंढने जाना पड़ेगा और आपकी सुरक्षा के लिए खुद की बलि चढ़ानी पड़ेगी। हम तो ठीक ठाक है, बार बार सब लोग तुम्हें ही पीट रहे हैं डेव। नजर अच्छी है। डेव! सॉरी, मैं गिर गया था। परिवार वालों, मैंने रहस्य का पता लगा लिया है। उन गांवों पर मैका डेव ने हमला किया था। डार्क लॉर्ड चकल्स द सिली पिगी ने एक डुप्लीकेट बनाया था। चट्टान के पीछे तुम्हें ये सब पता चला? साथ ही मुझे चकल्स की खतरनाक गुफा का भी पता मिल गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बुराई से लड़ते हैं। पहली बार बारबेरियन की तरह बात कर रहे हो। ये मत समझना कि मैं इम्पोर्टेंट बात भूल गया हूँ। फज अभी भी हमारे लिस्ट में है। और हमारे हीरोज चल पड़े डार्क लॉर्ड्स चकल्स द सिली पिगी की गुफा की तरह, जो थी खरीदारी की चमकदार पहाड़ी पर। कृपया टिकट लीजिए। ये कैसी गुफा है? दरअसल ये गुफाई बुटीक है और मैं यहाँ पर पार्ट टाइम काम करता हूँ। थैंक यू, फिर से आइएगा। और आप मिलिए मेका देव से और फिर सर्वनाश। देव, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? मैं बारबेरियन हीरो हूँ, मुझे बुराई से लड़ना है हर हाल में। तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मुझे अच्छा लगा। एक बार में मेका देव को खोल दूं, फिर देखना उसकी तबाही। आपके पास लड़कियों के लिए छोटा कवच है? यहाँ से छठी गली, कृपया वहाँ चली जाइए। वो तुम्हें जल्दी ही तोड़ फोड़ देगा। मतलब मेका देव का राज खुले इससे पहले हमें उसे खत्म कर देना होगा। इस काम को जल्दी निपटाओ, हमें लेना है फज। हमला! और जिगल आला हो। सूचना, भविष्य में जादुई छड़ी को अपने से दूर रखिए। ये चाल है, मैं देव हूँ, ये नकली है, मैं साबित कर दूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। ओ प्लीज 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 प्लीज। इससे कुछ साबित नहीं होता। प्लीज मुझे मत मारो, चोट लगती है। असली देव कौन है और नकली कौन है कोई नहीं बता सकता। आप अलग लग रहे हैं, हेयर स्टाइल बदली है क्या? Hey, चकल्स, कौन कौन है? आमतौर पे मैं पूछता नहीं, लेकिन फज भी तो लेना है। ओ, ये मैं नहीं बताऊंगा। मेरे इस प्लान का मतलब यही है कि देव अपने परिवार वालों के हाथों खत्म हो जाए। ओ, क्या बात है! ओ, 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 रंग है? ओ नहीं, सॉरी, बस यही एक दो रंग बचे हैं। मैं अपने जादू से दोनों को खत्म कर देता हूँ, हमें नकली वाला अपने आप मिल जाएगा। मेरे ख्याल से देव के खातिर हमें यहाँ चुपचाप खड़े रहना पड़ेगा। ओ लल्ला, जाओ वहीं रुक जाओ। कैंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो, तुम्हें पता नहीं ये शॉपिंग की चमकदार पहाड़ी है? यहाँ एक नकली देव है और एक असली देव भी है, पता नहीं कौन कौन है। अब ये दोनों लड़ने वाले हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वो देव है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि उस वाले की पीठ में बड़ी सी चाबी है। क्या तुम लोगों ने इसे नहीं देखा? मुझे लगा कि ये बटन है। आपने हेयर स्टाइल बदला? तुम्हें मेरी चाल का पता चल गया, लेकिन अभी भी मेरे पास ये जादुई तावीज है। मैंने चीजर के लिए ये प्यारा सा ब्रेसलेट लिया है, देखोगे? चकल्स हम सबको खत्म कर देगा। ठीक है, तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। आपको मैं लड़ना होगा, नहीं तो I'm sorry, मेरी चाबी घुमा देंगे प्लीज? हाँ जरूर। मारोगे? ओके, अब देखो मेरा गुस्सा। हे, ये अंदर से उद्रगॉड के ऑटोमेटिक मॉडल जैसा है। मैं ये ले लूं? नहीं। थैंक्स। डेव ने राजकुमारी कैंडी के ब्रेसलेट को नया गियर बनाया और मेका डेव के प्रोग्राम्स को बदल दिया। काम बनना ही चाहिए।
मेरी प्रोग्रामिंग बदल गई है चकल्स, अब कमांड के मुताबिक मैं तुम्हें मारूंगा। एव। अरे छोड़ो भी, मुझे अभी नहीं मरना। डेव, वो वाला ब्रेसलेट बहुत ही सुंदर था, अब मैं चीज़ को क्या दूंगी? फज फज, मुझे उसे एक खूबसूरत तोहफा देना है जिससे उसे शर्म आए कि उसने मुझे कितना बेकार तोहफा दिया था। कहना कि ये इम्पोर्टेड है, ये ठीक रहेगा। फज, भूरे रंग का सबसे ज्यादा टेस्टी खाना। ठीक कहा अंकल ऑज़वेज। और राजकुमारी कैंडी ने अपनी दोस्त चीज़ेट के लिए एक टुकड़ा फज खरीद लिया। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। तुम्हारे लिए मैं तो न्यूट में बदल ही गया। तो बुरा भी क्या हुआ? न्यूट फज नहीं खाते। कितना अच्छा लगता है लोगों के साथ फिर से। मैंने कितनी रातें अकेले गुजारी हैं, जाने कितनी रातें। तुम्हें इसे घुमाने जल्दी जल्दी बाहर लाना होगा।